हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव सूरी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कन्वर्जन एड पे। फेसबुक पे हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे कि ई कॉमर्स का अगर आपका बिजनेस है, आप उसको सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कैसे अपना एड सेट बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल आए। बेसिकली हमारा मेन मोटो यही होता है, हमारा वेबसाइट पे जो ट्रैफिक जा रहा है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे लिए उस ट्रैफिक का कोई फायदा नहीं है। तो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कन्वर्जन पे बात करने वाले हैं, कैसे हम कंप्लीट अपनी वेबसाइट पे, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन पे बात करने वाले हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाएं और उसको कन्वर्जन कर सकें। अब सबसे पहले हमारा जो मेन इसमें पॉइंट होता है हमारी जो वेबसाइट हो बहुत मोबाइल फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली हो। वो जैसे अगर मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उसको बार बार मैं पॉपअप्स ना दिखाऊं, पहले वो प्रोडक्ट्स देखे उस चीज के अंदर। तो छोटी छोटी बातें जो हमें थोड़ी ध्यान में रखनी होती है अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो इरिटेट होकर वापस ना जाए। इससे हमारा बाउंस रेट इंक्रीज होगा और बाउंस रेट इंक्रीज होने से हमारी वेबसाइट SEO में रैंकिंग नहीं कर पाती और हमारी एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कैसे हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं थ्रू फेसबुक मार्केटिंग। आइए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स, अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें आप एडवर्टीजमेंट कैसे रन कर सकते हो। हमारा जो मेन मोटिव है, अगर आपका कपड़े का काम है, आपका शूज़ का बिजनेस है, आपका वॉच का बिजनेस है, आप उसको कैसे फेसबुक मार्केटिंग, एंड मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ कैसे आप प्रमोट कर सकते हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को। पहला तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे रन होती है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर दो एड सबसे ज़्यादा चलते हैं, एक कन्वर्जन एंड एक कैटालॉग सेल। आज जो हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन पे बात कर रहे हैं। आपको सिंपली हमने जो लास्ट वीडियोस बनाए हैं उसी की तरह अपने एड्स मैनेजर पे जाना है, गोल सिलेक्ट करना है, यहाँ गोल को नाम देना है। ये बहुत जरूरी है गोल को नाम देना, ताकि आप फ्यूचर में आए एनालिसिस के लिए तो आपको राइट एडवर्टाइजमेंट मिल जाए। मैं इसको नाम दे देता हूँ आज, मैंने नाम दे दिया एड कन्वर्जन, कंटिन्यू। उसके बाद एड हमेशा तीन सेट में बनता है। सबसे पहले हम कैंपेन सेट करते हैं, उसके बाद अपना एड सेट बनाते हैं, फिर हम अपना एड बनाते हैं। और हमने लास्ट टाइम मैंने आपको जो वीडियो बनाया था हमने इवेंट पे बनाया था, जो कन्वर्जन में काम आता है। मैंने आपको कहा वेबसाइट पे मुझे ट्रैफिक भेजना है, ये इस इवेंट पे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूंगा तो मुझे इवेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी सारे मेरे एक्टिव इवेंट्स हैं, ये मुझे करना ही बनाना ही पड़ेगा अगर आप कन्वर्जन एड रन करना चाह रहे हो। मैं अभी इसमें डाल देता हूँ कन्वर्जन। उसके बाद हम करते हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको एवरेज कॉस्ट कहना चाहूँ कि अगर कोई मेरा कन्वर्ट हो रहा है, मैं 10 रुपीज़ से ऊपर नहीं लगाने वाला। इसे एक टाइप से हम बिडिंग बोलते हैं, बट ये अगर हम नहीं करेंगे तो फेसबुक आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हमें ये चीज़ नहीं करनी। आप समझिए, सबसे पहले हमें अपना एड सेट के अंदर गोल सेट करना है। मैंने कन्वर्जन किया, उसके बाद नाम दिया, उसके बाद अपना इवेंट बनाया। इवेंट हमने एक पिक्सल की वीडियो की थी, उसके बाद हम इवेंट की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख ले, जिससे आपको पता चल जाएगा फेसबुक पे कस्टम इवेंट्स कैसे बनता है। उसके बाद है डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव होता है, आप एक साथ 5 क्रिएटिव डाल दो इसके अंदर, जो क्रिएटिव सबसे अच्छा आपको रिजल्ट देगा फेसबुक उसे सबसे ज्यादा, उस क्रिएटिव को सबसे ज्यादा पब्लिक को दिखाएगा। ओके, उसके बाद है ऑफर। ऑफर रहता है, आप कोई भी ऑफर डाल सकते हो, अगर कोई सेव करेगा तो फेसबुक उसको नोटिफिकेशन भेजेगा। उसके बाद बात आती है ऑडियंस की, ये सबसे मेन चीज है। कन्वर्जन एड के अंदर रीमार्केटिंग बहुत ज्यादा, कन्वर्जन का मतलब होता है दो टाइप से होता है, एक ट्रैफिक होता है और एक कन्वर्जन होता है। ट्रैफिक में क्या होता है, फेसबुक ने आपका लिंक ओपन करवा दिया, काम वहां खत्म हो जाता है फेसबुक का। बट जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन के अंदर आपके जब तक प्रोडक्ट नहीं सेल हो जाता, किसी ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया या फिर उसे ओपन कर लिया एक बार, तो फेसबुक उसको बार बार आपकी एड दिखाएगा कन्वर्जन, अगर आप एड रन कर रहे हो। ओके, तो हम इसमें अभी अपनी ऑडियंस ले लेते हैं। मैंने अभी अपनी सेव्ड ऑडियंस ले ली और ऑडियंस पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं आपका लिंक इसके अंदर दे दूंगा। उसके बाद है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर हम करते हैं, फेसबुक पे आप एड दिखाना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, ऑडियंस नेटवर्क पे। ऑडियंस नेटवर्क थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है जो फेसबुक के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं, तो उसको हमेशा हमें बंद रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है वहाँ कैसा ट्रैफिक मिलने वाला है मेरे को, क्या सोर्स आने वाला है ट्रैफिक का। तो मैं इसको हमेशा आपको एक ही राय दूंगा कि सबको इस वाले नेटवर्क को आप हमेशा बंद रखें। उसके बाद आता है मैसेंजर। मैसेंजर आप ऑन कर सकते हो अगर आप कन्वर्जन ऐड रन करते हो तो।
ओके गाइज, तो आगे हम चलते हैं। उसका आता है बजट एंड शेड्यूल। बजट क्या रहता है, हमें डेली बजट भी दे सकते हैं, लाइफ टाइम बजट भी दे सकते हैं। हम इसमें लाइफ टाइम बजट सेट करते हैं, और लाइफ टाइम में मैं कह रहा हूँ मिनिमम 80 रुपीज खर्च स्पेंड करना बहुत जरूरी है। मैं 2 डेज के लिए एड को रन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ बजट कर देता हूँ 200 रुपीज, मेरी एड रन होगी। ओके, तो अब हम करते हैं आगे, इसमें मेरे को कंटिन्यू करना है। अब उसके बाद आएगा एड। एड के अंदर हम क्या क्या सेट करते हैं, आइडेंटिटी, पेज कौन सा यूज करना है, फॉर्मेट क्या रखना है, हमें कन्वर्जन रखना है, वीडियो रखनी है, कैरोसेल चलाना है, मीडिया क्या देना है, टेक्स्ट लिंक्स क्या देने हैं, ये कंप्लीट हम इसके अंदर बात करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले नाम दे दिया, उसके बाद मैंने पेज दोनों मेरे यही हैं। मैंने कहा मुझे अगर कैरोसेल चलाना है तो मैं, कैरोसेल के अंदर क्या होता है, आप एक साथ 7 से 8 फोटो डाल सकते हो अपने कस्टमर को। अगर आप साड़ी का बिजनेस है आपका, और आप एक प्रोडक्ट से कस्टमर को इम्प्रेस नहीं कर सकते, कम से कम आप 10 प्रोडक्ट की फोटोज डालो, जिससे कस्टमर को लगे कि ये जेन्युइन चीज है। और जितनी ज्यादा फोटोज डालोगे कस्टमर उतना अट्रैक्ट होगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, और अगर वेबसाइट पे जाएगा तो हो सकता है वो आपका कन्वर्ट भी हो। ओके, तो इसमें क्या करना है, अभी सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ये हमने यूआरएल डाल दिया। उसके बाद हेडलाइन देनी है। सबसे पहले फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फोटो हमने एक सिलेक्ट कर ली, कंटिन्यू। दूसरी फोटो हमने सिलेक्ट कर ली, तीसरी फोटो हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही कन्वर्जन कैरोसेल ऐड रन हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट पे मैंने भेज दूंगा, जहां मेरा पेज होगा, जिस भी पेज पे मैं इनको भेजना चाहूँ, जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको मैं किस पेज पे भेजना चाह रहा हूँ। उसके लिए वेबसाइट का यूआरएल दिया मैंने, नीचे आएगा सी मोर का यूआरएल। यहाँ वेबसाइट का जो यूआरएल दिया ये होम पेज का दिया मैंने। अब मैं कह देता हूँ अगर सर्विसेज के लिए कोई जाना चाह रहा है तो मैं उस पेज का टाइटल दूंगा। ओके गाइस, इस टाइप से हमारा बनता है कंप्लीट कैरोसेल एड कैसे बनता है। आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर है तो उसके लिए सबसे मेन जो है वो है आपका इवेंट। आप इवेंट क्या बना रहे हैं, इवेंट बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में इसमें डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इवेंट क्या। मैं आपको क्या इवेंट, किस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक पे आपके लिए। उसके साथ ये एक तरीका था सेल इंक्रीज करने का। दूसरा सेल का इंक्रीज करने का क्या तरीका है, यूट्यूब से आप बहुत अच्छी सेल इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब है, उसके बाद हम सर्च करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू। मैंने सर्च किया ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू, ये सारे ब्लॉगर्स आ गए जो आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट मार्केट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब ये है एक क्लब फैक्ट्री का लेंगे। आप इस वीडियो को ओपन करोगे तो जब आप नीचे देखोगे आके, तो यहां पे उन्होंने आपका यूआरएल दिया हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है। आप नीचे देखेंगे आगे, यहां पे इन्होंने आपका कंप्लीट एक एक यूआरएल दिया हुआ है। ये कंप्लीट रहता है यूट्यूब के अंदर। आप कैसे करेंगे, आप इसके इनके अकाउंट पे जाओ, अकाउंट पे जाके आप इनसे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। इन्होंने जीमेल दी हुई है अपनी, आप इस जीमेल पे आप उनको मैसेज करो, वो आपको प्राइस बताएंगे क्या रेट है उनका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करने का आपका, और वो सीधा आपका प्रोडक्ट मार्केट कर देंगे। ये कंप्लीट चलता है यूट्यूब के अंदर कि कैसे वी लोगर्स अर्न भी करते हैं। ये आपका वीडियो प्रमोट करेंगे, उनको यूट्यूब से भी पैसा मिलेगा, और आपसे वो नॉमिनल चार्ज लेते हैं 5,000 10,000, इससे आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, ट्रस्ट फैक्टर, इन पे काफी लोग ट्रस्ट करते हैं कि इनको कितने लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं। अगर हम देखते हैं इन्होंने सब्सक्राइबर शो नहीं किया हुआ, हम कोई दूसरा वो उठा लेते हैं व्लॉगर, मिस व्लॉगर को चेक करते हैं। इनके 181K सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 1,81,000 लोगों ने इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इससे क्या होगा, 1,81,000 लोगों तक हम 10,000 15,000 रुपये में इजिली पहुंच जाएंगे। तो ये एक और तरीका है कि कैसे हम अपने ई कॉमर्स को प्रमोट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये कंप्लीट था हमारा ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वीडियो से अभी इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे फेसबुक पे और बिजनेसेस को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कौन से आइटिनरेंट उसके लिए अच्छे हैं, पेज अगर आपने फेसबुक पे नया पेज बनाया है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कैसे लेके आ सकते हैं। इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियोस कैसा लगा, जिससे मैं फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को और अच्छे से आपको बता सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।